नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन न्यूज। बेंगलुरु में भारी बवाल मच गया है। जी हां, वजह यह है कि मस्जिद के बाहर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और धारा 144 भी लागू कर दी गई। चलिए इस मामले की शुरुआत और दरअसल विवाद की जो जड़ है वो क्या है, हम आप दर्शकों के सामने रखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देश में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ज्ञान भाभी के बाद अब कर्नाटक में भी एक मस्जिद को लेकर ऐसा ही दावा किया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुरानी मस्जिद के नीचे कथित तौर पर हिंदू मंदिर जैसा वस्तु शिल्प डिजाइन मिलने का दावा किया गया। अब इस जगह पर विश्व हिंदू परिषद एक अनुष्ठान पहुंचा है, जिसे देखते हुए मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको ये बताते चले कि कर्नाटक की इस मस्जिद के बाहर बीएचपी के कई कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और हंगामा कर रहे हैं। ये सभी लोग पुरानी मस्जिद में पूजा करने की मांग कर रहे हैं। नहीं नहीं, मस्जिद के बाहर इन लोगों ने की तरह संगठन ने मस्जिद में सर्वे कराए जाने की मांग भी की है। वहीं आपको ये बताते चले कि इस मामले को लेकर राजनीतिक हो चुकी है। बीएचपी के अलावा अब बीजेपी ने भी इस मस्जिद को लेकर बीजेपी ने मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है। फिलहाल मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी को भी यहां आने की इजाजत नहीं दी गई है। हंगामा कर रहे कुछ बीएचपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, इसके नहीं है।